बसमिल व्यूअर्स कैसे हैं आप आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुल्तानी टी वी आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जिसको सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और हर उस शख्स के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए जिसने ये बयान सुना होगा क्योंकि गैरतमंद बंदा और गैरतमंद माशरे में ऐसा बयान नाकबिल बर्दाश्त होता है मैं आज इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक मलाना यूसफई जो कि बच्चियों की तालीम के हवाले से बड़ी मशहूर हुई और पाकिस्तान से जब यूरोप में गई तो यूरोप ने उसे नोबल प्राइज़ इनाम दिया और उसके बाद उसने बच्चियों की तालीम के हवाले से आवाज़ उठाई और आज जो वो ज़बान बोल रही है जब वो बोली बोल रही है वो बोली यूरोप की बोली है वो बोली इस्लाम के मुनाफी है वो बोली ऐसी बोली है जिससे इस्लाम को तकलीफ़ होगी वो बोली ऐसी बोली है कि जिससे मुस्लिम माशरे पर उसके असरात मनफी आएँगे मैं बताना ये चाहूँगा कि मलला ज़ई जो कि बच्चियों की तालीम के हवाले से बाहर के मुल्क में गई थी तो क्या उसने ये तालीम हासिल की है कि उसने जाकर यह बयान दिया है जिसका बयान आज इतना गमगीन है जिसने हमारे दिलों को गम ज़दा कर दिया है उसने ये कहा है कि आप अगर किसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो क्या उसके लिए निका करना या निका के एग्रीमेंट पर साइन करना ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप पार्टनर बनकर भी रह सकते हैं तो मेरा उस यूसुफ यूसफई को यह जवाब है कि आका नामदार मदीना के ताजदार जो इस कायन के सबसे बड़े आदमी हैं जो इस कायन के सबसे बड़े म, जो सबसे बड़े मम्म हैं आपने ये फरमाया कि निका सुन्नत है और मेरे आका की हदीस से बढ़कर हमारे लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती मलाला यूसुफ आप आपकी पहचान क्या है आप तो उन औरतों में से जो ये नारा लगाती हैं कि मेरा जिसम मेरी मर्जी और आप लगा भी सकती हैं क्योंकि आप इस वक्त यहूदियों के एजेंट हैं हमारी हकूमत और हमारी हकूमती इदारे जो हैं और हमारे जो वजीर हैं वो कादियानियत को और मेरा ये सब मेरी मर्ज़ी लगाने वालों को सपोर्ट करते हैं जब हमारे मुल्क में ये सब कुछ होगा तो बाहर की लॉबी में रहने वाले लोग भले अपने ही हों भले आप पाकिस्तान की हैं लेकिन वहाँ पर जाकर जो आप बोली बोल रहे हैं ये कादानियत की बोली है ये इस्लाम के मनाफी है ये यहूदी एजेंटों की बोली है मैं ये कहना चाहूँगा कि मलाना साहिबा आप ये जो कुछ कर रही हैं आप वहीं पर करें आपने जो पैसे लेकर जो पैसों की घुटी आप अंदर दी गई है डॉलर्स की घुटी से आप इस्लाम के मुखालिफ बयान ना दें क्योंकि आपके बयान की यहाँ पर कोई भी वक्त नहीं है आपके बयान से सिर्फ और सिर्फ जो है ना यूरोप खुश हो सकता है मैं बताना यह हमारा कुछ लोग ये कहते हैं जो देसी लिबरल्स हैं जो आपके सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये रोशन ख्याली है रोशन ख्याली आपके अंदर रोशन ख्याली नहीं है अमामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक हकीम जब आप यूरोप में गए आप यूरोप में रहे और यूरोप से जब वहाँ यहाँ पर वापस आए तो आपने एक शेर कहा यहाँ उनकी तमाम चीज़ों को देखने के बाद कि खीरा ना कर सका जलवा दानिश फ़रंग सुरमा है मेरी आँख का खा के मदीना नजब अला इकबाल ने यह फरमाया कि मैंने यूरोप की हर चीज़ को देखा है वहाँ पर रहा वहाँ पर मैंने उनकी यूनिवर्सिटीज़ को देखा उनके माहौल को देखा लेकिन उनका माहौल मुझे अपने अंदर समो नहीं सका उनका माहौल यूरोप का जो माहौल था उसने मुझे मुतािर नहीं किया अगर किसी ने मुझे मुतासर किया तो वो खाके मदीना है और खा मदीना वो है कि जिसको मैं अपनी आँखों का सुरमा बनाता हूँ तो इसके बाद मेरे ख्याल से ton, मलाला आपके बयान की कोई वक्त नहीं रहती आपके बयान की कोई हैसियत नहीं रहती और मैं दूसरी बात ये करूँगा कि जब आप निकाह करती हैं औरत जब भी कोई निकाह करती है तो वो एक मर्द से निकाह करती है जब आप एक मर्द से निकाह करके उसकी ज़िंदगी में आते हैं इज्दवाजी मामला होते हैं तो आप एक शख्स की मलका बन कर ज़िंदगी गुजारती हैं लेकिन अगर आप ये कहें कि पार्टनर बनकर ज़िंदगी गुजारनी है तो ये नामुमकिन है आप किसी की भी पार्टनर बनकर रह सकती हैं एक बार दो बार तीन बार जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतने ज़्यादा मामला ख़राब होंगे और वहाँ से जो औलाद पैदा होगी उसे हरामी औलाद कहा जाएगा उसे हराम का कहा जाएगा हराम ज्यादा कहा जाएगा लेकिन इस्लाम में तो इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में इन चीज़ों की कोई वक्त नहीं है यूसुफ़ यूसफ़ई आप अपनी ये जो तालीम है ये जो आप लिबरल्स के ज़बान बोल रही हैं ये आप यूरोप में बोलें पाकिस्तान इस्लाम की इस्लाम का किला है पाकिस्तान लाई ला महमद रसोल्ला की बुनियाद पर बनाया गया है और ये जो मेरा जैसे मेरे जिस मर्जी लगाने वाले जो य, ये जो आंटीज़ हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं आप तो उनकी ज़ुबान बोल रही हैं आपको तो ये चाहिए था आप यहाँ पर यहाँ से जाती हैं और वहाँ पर जाकर इस्लाम के किले को इस्लाम के परचम को बुलंद करती जिससे हमें भी तस्किन मिलती जिससे आपको भी तस्किन मिलती लेकिन आपने तो वही काम किया आप यहाँ से गई और वहाँ जाकर आप यूरोप की गोद में बैठ गईं और मुझे सुनने में ये आया कि लोग ये कहते हैं कि मलाल यूसफ ने यह कहा है कि मैं इस मुल्क की वजी अजम बनना चाहती हूँ तो ये नामुमकिन है जो औरतें अपने नबी करीम सल अलैहि तसलम की तलीमत को छोड़ती हैं वो इस मुल्क की वज़ी अजम नहीं बन सकती लिहाजा यूसुफ ज़ई को हमारा ये पैगाम है कि आप यूरोप में रहें आप जैसी जिनका किरदार फाशा औरतें उनकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं पाकिस्तान पाक मुल्क है मदीना की रियासत है और ये सानिया मदीना भी नहीं इसे कहा जाता है तो सान मदीना का जो ये मुल्क है तो यहाँ पर आप जैसी फाशा औरतों की कोई जगह नहीं है इस्लाम जिंदाबाद पाकिस्तान परिंदाबाद